कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सोलन का जिला प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के भी अब हाथ पांव फूलने लगे हैं। इसलिए अब डीसी सोलन केसी चमन द्वारा जिला में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जहां एक ओर कोरोना नियमों की पालना न करने वालों पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं, वहीं कोरोना संक्रमित जो घरों में पृथक रह रहे हैं उन्हें कोई समस्या न आए इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डीसी सोलन केसी चमन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन में खंड स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सोलन करेंगे और पंचायत और नगर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वे सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटीन है वे अपने घरों में ही रहे, अपने घर से किसी भी स्थिति में बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और जानबूझकर कोरोना संक्रमण की मुसीबत मोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अधिकारियों और प्रतिनिधियों को ये आदेश दे दिए हैं कि जो भी व्यक्ति नियम तोड़ता पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सब डिवीजन लेवल में टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में बीएमओ और कंसल्टेंट एसडीएम ये बैठ के सुनिश्चित करेंगे। जैसे आज की सूची आएगी उसकी सारी पंचायत वाइज बाइफर्केशन होगा और प्रधान को भी दी जाएगी और प्रधान उसको सुनिश्चित करेगा होम आइसोलेशन में रहेंगे और जिन व्यक्तियों के पास घर में दो टॉयलेट नहीं है उनको हम डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड सेंटर में भेजेंगे। तो उसके लिए हम एक जो मेडिसिन का है, आज की मेडिसिन, जो आदमी आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, आज रिपोर्ट आ गई है, आज रात तक उसको पूरी सप्लाई ये सुनिश्चित करेगा, ये प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है। बहुत सख्ती की है, वीकेंड में दुकानें बंद है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरस्टेट मूवमेंट की रेगुलेशन कर दी है। और मुझे एक चीज़ समझ आए कि लोग बाजार क्यों आ रहे हैं, लोगों को बाजार क्या के लिए आ रहे हैं, क्यों इन्फेक्शन को मोल ले रहे हैं। और लगातार ये कि फिर आप इन्फेक्शन मोल लेंगे, फिर आप संक्रमित हो जाएंगे, फिर आपको और शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आएगी अकारण, फिर आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए लाइनअप होंगे। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती कोरोना की बीमारी को मोल लेना है। आप अभी सब ठीक है, मैं लोगों से यही आग्रह कहूँगा कि आप घरों में हैं ठीक है, सुख सकुशल है और नेचुरल ऑक्सीजन ले रहे हो, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा कर रहे हो कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाके आप कोरोना को संक्रमण को ले रहे हैं। तो यही है कि जब भी बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, जब मेडिकल इमरजेंसी हो या बहुत ही कि ऐसी स्थितियों की आपको बाजार निकलना उसी अवस्था में आए। तो सभी प्रधानों को इस जिला में निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को समझाएं, लोगों को रोकें और बाजार आने से उनको ये करें कि बाजार बिल्कुल ना आए और इस प्रकार के लोग जो कारण घूमते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें।